नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के एक नोटिस के बारे में, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड की टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है द चैंपियन सेल 11 से लेकर के 13 अक्टूबर 2023 तक के लिए, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेस्ट बुक है ईयरली टेस्ट बुक पास है इसमें आपको पे करना पड़ेगा 499 के बजाय मात्र 269 रुपये। वहीं जो टेस्ट बुक का टेस्ट बुक ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो है जिसका एक्चुअल प्राइस है 699 रुपीज़, इस ऑफर के दौरान आपको पे करना पड़ेगा मात्र 359 रुपये। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है, सभी स्टूडेंट्स ने कहा है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे हम लोगों ने ये नोटिस कल ही डाल दिया था, तो जो भी स्टूडेंट खुद से ये नोटिस को डाउनलोड करके रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया है, ये आपके सामने वो कंप्लीट नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड RBI नंबर 113/2023, ये आपको रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। न्यू दिल्ली डेटेड 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से किनको भेजा गया है सारा लेटर, तो भेजा गया है सारे के सारे जनरल मैनेजर को, साथ ही ऑल जोनल रेलवे एज पर स्टैंडर्ड मेल लिस्ट, यानी कि जितना मेल है सभी के मेल पर ये नोटिस भेजा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? द एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये जो लेटर है किस मैटर को लेकर के है, तो जितना भी गेटमैन को इंगेज किया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एक्स सर्विसमैन को इंगेज किया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक्स सर्विसमैन, उसको लेकर के है। इसमें एक पर्टिकुलर लेटर का रेफरेंस भी दिया गया, उस लेटर का डेट है 3 अप्रैल 2023 का और उसका RBI नंबर है 48/2023, और ये उनका रेफरेंस का लेटर नंबर है। ओके, आगे देखिए इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स लेटर साइटेड अंडर रेफरेंस द स्कीम फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन बोथ सिविल एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाज लास्ट एक्सटेंडेड अप टू 30/9/2023, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि ऊपर जो भी लेटर का रेफरेंस नंबर दिया गया इस लेटर के अनुसार और जो आपको सिविल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो गेटमैन थे जहाँ पे एक्स सर्विसमैन को इंगेज किया गया था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसका लास्ट एक्सटेंशन कब तक किया गया था, तो 30/9/2023 तक किया गया था पिछला नोटिस के अनुसार। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है द एफोरसेड स्कीम हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर बियॉन्ड 1 अक्टूबर 2023, दैट इज अप टू 30/9/2024 एज पर एक्सटेंड टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी कि सेकंड पॉइंट में कहना यह चाह रहा है कि रेलवे ने अपनी ज़रूरतों को रिव्यू किया, रिव्यू करने के आधार पर यह पाया कि इनका जो सर्विस है जो कि 30/9/2023 को एक्सपायर हो रहा था, इनके सर्विस को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के कब तक बढ़ाया जा रहा, तो 30/9/2024 तक बढ़ाया जा रहा। देखिए फ्रेंड, यहीं पर बात आती है आपकी यूनिटी की। यदि अगर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी यूनिटी शो करते तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा ना, ये एक्सटेंशन नहीं हो रहा होता, और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे इनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता और यहाँ पे नई भर्ती जारी हो जाती। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि हम लोग जब भी ट्विटर कैंपेन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जैसे आज की ही बात करते हैं, तो आज जो रेलवे मतलब RPF को लेकर के जो नोटिस आई है इसके ऊपर सभी टीचर्स वीडियो बनाएंगे, लेकिन वही स्टूडेंट्स उन टीचर्स को जाकर के रिक्वेस्ट नहीं करते, उनको ये बोलते नहीं है कि सर कल जब ट्विटर कैंपेन हो रहा था तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, जबकि आज तो आप वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है पेशेंस दिखाने का, धीरज दिखाने का, सभी टीचर्स के सामने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने का कि सर प्लीज़ हमारे लिए वीडियो बना दीजिए, तभी आप सभी स्टूडेंट्स का यूनिटी का परिचय हो पाएगा। और जो ये जो इस तरह के नोटिसेस आ रही है जहाँ पे मतलब कि रेगुलर बेसिस पर एक्सटेंशन किया जाता है, रेलवे में नई भर्तियाँ नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समाप्त हो पाएगी। और अभी जो RPF की नोटिस आई है इसके बाद हो सकता है कि आप लोगों को और भी अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज देखने को मिले, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप सब स्टूडेंट्स अपनी यूनिटी दिखा पाएंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, एंगेजमेंट शुड बी मेड इन कैटेगरी ऑफ गेटमैन ओनली, द रेलवे वाइज कोटा ऑफ सच एंगेजमेंट सेल बी लिमिटेड टू 15,364 ओनली नंबर्स एज इंक्लूडेड इन द इनक्लोज एनेक्सर, सिंस द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट ईच रेलवे इज डायनेमिक फिगर डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सरसाइजेज एटसेट्रा, द नंबर ऑफ गेटमैन इंडिकेटेड इन एनेक्सर शुड बी ट्रीटेड एज ए सीलिंग एंड रिव्यूड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड नीड। यहाँ पे नीचे वो कंप्लीट लिस्ट भी दी गई है कि कौन कौन से जोन में कितना जो है कि रिक्वायरमेंट है, और टोटल आप लोगों का कितना है, तो टोटल है आप लोगों का 15,364।